नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल इजी वे इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम लोग एक और एलईडी रिचार्जेबल लाइट का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये रिचार्जेबल लाइट आपको सही में ख़रीदना चाहिए या नहीं, इसका फीचर्स सही में आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, और जो भी फीचर्स है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए अभी हम इसको पैकेट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट देखने में कैसा है। वैसे ये अमेजोन से परचेज किया गया है, ये प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट में भी परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे वेबसाइट में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो कहीं से भी जहाँ पे आपको कम दाम मिले वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बिना देर के हम प्रोडक्ट दिखाते हैं। बॉक्स में आपको ये प्रोडक्ट और एक ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है, इसमें थोड़ा सा डिटेल वगैरह दिया गया है। इसमें वारंटी कार्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, कोई चार्ज करने का कोई अडेप्टर भी नहीं दिया गया है और कुछ भी मतलब इस बॉक्स में आपको नहीं मिलता है। तो चलिए हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। आपका प्रोडक्ट हो गया व्हाइट कलर में, इसको ऑर्डर किया गया है। वैसे इसका दो तीन कलर आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आपको जो भी कलर पसंद है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा क्लोज लुक आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि प्रोडक्ट देखने में कैसा है। तो मैं आपको 360 व्यू इसका आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा पता चले प्रोडक्ट देखने में कैसा है। तो ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच दिया गया है। तो ऊपर वाला जो स्विच है आपका ये बेस लाइट के लिए है और ये इसका जो स्विच है वो नीचे साइड है। तो यहाँ पे अप एंड डाउन आपका स्विच मिल जाता है। ये आपका फ्रंट साइड, आप फ्रंट साइड में चेक कर सकते हैं। सिंगल एलईडी लाइट से यहाँ पे दिया गया जो कि टॉर्च लाइट है। ऊपर में आपको सोलर पैनल नहीं मिलता है और सिर्फ आपको हैंडल एक दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये आप दूर से आप लुक देख सकते हैं, पोर्टेबल साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, देखने में काफ़ी कूल है। कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ग्रे एंड वाइट में काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब ये चार्ज करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है ये सी टाइप आपका दिया गया है। यहाँ पे क्लोज लुक आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चार्ज करने का ऑप्शन है, आपको सी टाइप यहाँ पे मिल जाता है। तो घर में आपका कोई भी सी टाइप चार्जर आपका अवेलेबल है जो कि मोबाइल चार्जर है, वहाँ उससे आप ये चार्ज कर सकते हैं। मेड इन ये इंडिया नहीं है, मेड इन आपका चाइना प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट का क्वालिटी की भी बात करें तो इसका जो मटेरियल दिया गया काफ़ी हार्डी मटेरियल है, थिकनेस इसका काफ़ी अच्छा है और जो शाइनिंग जो ग्लॉसी जो फिनिशिंग दिया गया वो भी काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है। अब इसमें चार्जिंग इंडिकेटर नहीं दिया गया है जो कि एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक पॉइंट इसका है, क्योंकि चार्जिंग इंडिकेटर मेरे हिसाब से देना चाहिए ताकि पता चले कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। अब हम देखते हैं इसका लाइट कैसा है, मतलब लाइट ऑफ करके हम देखते हैं कि इसका लाइट कितना ज़्यादा फोकस का है। वैसे तो ये लाइट आपका 6 वाट का मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। नॉर्मल मार्केट में 5 से लेकर 10 वाट तक का आपको रिचार्जेबल एलईडी लाइट मिलता है, तो ये 6 वाट का है तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। तो अब हम देखते हैं कि इसका लाइट का जो आउटपुट है वो कैसा है, लाइट बंद करके हम देखते हैं। तो ये आपका टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट आप देख सकते हैं, टॉर्च लाइट इसका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टॉर्च लाइट है। अब इसका हम मेन लाइट देखते हैं, तो ये हो गया आपका मेन लाइट। तो इसमें एक और भी वीक पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो मेन लाइट दिया गया है मेन लाइट में आपका डिमिंग और हाई वोल्टेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब 6 वाट का जो भी दिया गया है तो आपको एक कंस्टेंट पावर आउटपुट के साथ ही इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसमें लो हाई का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सफिशियंट लाइट है एक छोटा सा रूम के लिए, मेरे हिसाब से अगर आपका रूम 6x8 है या 8x8 है तो मेरे हिसाब से ये लाइट सफिशियंट है, बड़ा रूम के लिए ये सफिशियंट नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई अगर आपको करना है तो एज ए स्टडी टेबल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सफिशियंट लाइट है। तो चलिए अब एक एक करके डिटेल में बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है और जो फीचर्स दिया गया है वो इसमें क्या क्या हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी की बात करते हैं, तो 1500 mAh का बैटरी दिया गया, लिथियम आयन बैटरी है।
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, 1500 मेरे हिसाब से एक एवरेज बैटरी कैपेसिटी के साथ इसके साथ दिया गया है, इसीलिए इसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। पावर बैकअप की बात करें तो इसमें आप अगर मेन लाइट, अगर ये वाला लाइट आप जलाते हैं तो इसमें 2 घंटा का आपको पावर बैकअप मिल जाता है, और टॉर्च लाइट की बात करें तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 घंटा का पावर बैकअप मिल जाता है टॉर्च लाइट में। चार्जिंग टाइम की बात करें तो मैक्सिमम इसका जो चार्जिंग, अगर फुल चार्ज करना है तो 6 घंटा चार्जिंग टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम इस प्रोडक्ट को अगर प्राइस के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस है, क्योंकि ये मार्केट में आपको 1000 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से जो भी इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है ये। एक्चुअल कॉस्ट इसका 600-700 होना चाहिए इसका प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स के हिसाब से। तो प्रोडक्ट का जो नाम है ये है साइरस, विप्रो का साइरस मॉडल प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं अमेजोन से भी, और उस लिंक पे जाके भी आप परचेज़ कर सकते हैं आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो। और इसका जो MRP है, वैसे तो इसका 1600-1700 इसका MRP है, लेकिन आपको मार्केट में ये 1000 रुपीज़ एवरेज प्राइस में मिलेगा, और डिस्काउंट अगर डेज अगर है तो आपको ये 800-900 में भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर 800-900 में मिल जाता है तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है। तो बस आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नया प्रोडक्ट के साथ, नया रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।